एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर विदेश में है तो वहां पे आपको सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आप जो भी लग्न के जातक हो, आप देखिए कि आपका 9th हाउस और 12वां भाव ये स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में राहु केतु भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए और 4थे भाव पे पाप प्रभाव होना चाहिए, तो जातक का फॉरेन में विदेश में सक्सेस होने के योग बना देता है। जब भी इनकी दशाएं अंतर दशाएं प्रत्यंतर दशाएं चलती है तो ये योग आपको अच्छा सक्सेस दिलाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि बताया कि हम मेष लग्न का जो जातक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 9वां भाव है वो धनु राशि है और 12वां भाव है वो आपका मीन राशि है। इसका स्वामी बृहस्पति अच्छी पोजिशन में है, राहु केतु भी वहाँ पे देख रहे हैं, 4थे भाव पे राहु का प्रभाव है और सूर्य का भी 7वें दशा प्रभाव है। तो ये जातक को जब भी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा राहु और आपकी गुरु की चलेगी तो इसको विदेश में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और गोचर भी अगर सपोर्ट करता है तो ये और भी अच्छा योग बना देता है। तो ये साधारण सी जानकारी दी, आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल स्टार सिंप्लीफाइड का सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा है जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपॉइंटमेंट परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमारा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।